आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, जिसमें टेस्ट होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन भी पाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस खास रेसिपी के साथ। इसे देखकर आपको साबूदाना का याद आ रहा है? नहीं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले हमें कढ़ाई में ऐड करना है 1.5 चम्मच ऑयल, जैसे ही तेल थोड़ा गर्म हो उसमें हम ऐड करेंगे जीरा, मिर्ची, राई, करी पत्ता और इसे हम लो फ्लेम पे 1 मिनट तक भून लेंगे। आज की ये रेसिपी बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा कम टाइम वाली रेसिपी है, जिसमें प्रोटीन के साथ साथ मैंने आपको बताया टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सारी चीज़ों को 1 मिनट पका लें, फिर ऐड करें मसाले, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आप इसमें चाहें तो हल्का सा पानी ऐड कर लें, जिससे कि ये मसाले जले ना। सूखे मसाले होने की वजह से ये जल भी सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर लें और मसालों को मिक्स कर लें। अब यहाँ पे 2 चीज़ें टोटली ऑप्शनल हैं, अगर आपको पसंद है तो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर टमाटर का यूज़ कर सकते हैं एंड सेकेंड है कि आप यहाँ पर कच्चे आलूओं का भी छोटे बारीक चॉप किया हुआ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मसालों को हमने भुना और ये रहा बॉइल्ड किया हुआ जौर। इसे हमें अच्छे से 80-90% कुक कर लेना है नमक डाल करके और उसी मसाले में हमें इसे ऐड कर देना है। सारे मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे ब्लैक पेपर, इससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। लो फ्लेम करके इसे 1 मिनट तक खुला पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ और कुटा हुआ सेंग दाना 1 छोटी कटोरी। अब ऊपर से डालेंगे हम 1 चम्मच लेमन जूस। नमक हमने ऑलरेडी बॉईल करते टाइम ऐड किया था तो नमक का यूज थोड़ा सा करें। अब इसमें डाल दें बारीक कटी हुई हरी धनिया, गार्निश कर लें और सारी चीजों को लो फ्लेम करके अच्छे से मिक्स कर लें। इसे फ्राई करते टाइम गैस की फ्लेम को हमेशा लो रखें, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है और इसमें हमने बेसिक से मसाले यूज करे हैं जो काफी जल्दी से जलने लगते हैं। बस सारे मसालों को मिक्स करने के बाद ये रहा बाजरे की खिचड़ी, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा हेल्थी भी है। तो विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है, आप भी आपके घर पर इस तरह की न्यू तरह की रेसिपीज बना करके ट्राई करिए और मजे करिए। हेल्थी और टेस्टी होने के साथ साथ ये वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को बनाकर ट्राई करें। मिलते हैं न्यू रेसिपीज के साथ। कर आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।